Never hire a friend in your agency if they have this quality. बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अच्छी बातें करनी आती है बिकॉज सालों से YouTube पे गैरी वी को देख रहे हैं, ग्रांड कार्डोन को देख रहे हैं, बहुत सारे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं। तो भाई अच्छी बातें करनी आज की डेट में सबको आ गई है और आपको भी कोई आपका अच्छा दोस्त मिल जाएगा। आजा भाई साथ में काम करते हैं, फाड़ लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर दूसरों के प्रपोजल को एनालाइज करके बोलते हैं, देखो कितना गलत कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, और आपको लगता है यार तेरी और मेरी कितनी वाइब जमती है दोस्त। तो वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ यार, अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। और फिर वो आपके साथ एजेंसी में आता है और अगले दिन आप बोलते हो क्या हुआ, बोलते यार आज ना थोड़ा लेट हो गया हूँ, हम इसको कल से करें। ओके कल से कर देते, नो प्रॉब्लम। अगले दिन वो आता है और वो टीम को डांटने लग जाता है किसी बात के ऊपर। एंड में आप कहते हो ठीक है, टीम को डांटा, काम क्या निकला, कुछ भी नहीं निकला, कोई बात नहीं, थोड़े दिनों बाद हो जाएगा। फिर आप देखते हो कि वो क्लाइंट के पास जा रहा है इनकम्प्लीट प्रपोजल लेके, तो यार ये बंदा कर क्या रहा है, इसने बोला तो कितना कुछ था। सो इसको मैं कहता हूँ कैक टेस्ट। हर इंसान को कैक टेस्ट के थ्रू निकलना चाहिए। कैक टेस्ट क्या होता है, KAK, कहनी एंड करनी टेस्ट। क्यों, कहता क्या क्या है, शेयर मेरे हिसाब से प्रपोजल रोज जाना चाहिए, मेरे हिसाब से टीम को सुबह मॉर्निंग मीटिंग होनी चाहिए, मेरे हिसाब से SOP चेकलिस्ट होनी चाहिए, मेरे ख्याल से क्लाइंट का रिवर्ट 24 आवर्स में जाना चाहिए। उसके बाद वो करता क्या है, अगर वो कह कुछ रहा है आपको, एक्सपेक्टेशन है कि आप ही करो, लेकिन वो करता उसमें से इतना ही है, तो भाई कहनी वर्सेस कहनी टेस्ट में वो फेल हो रहा है। तो ऐसे फ्रेंड को प्लीज मत हायर कीजिए बिकॉज वो आपकी एजेंसी में आएगा और उसके पहले दिन से ही, पहले हफ्ते से ही, पहले महीने से ही रंजिशें होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप अंदर के अंदर कुछ बोल नहीं पाओगे। आप बोलोगे यार तुमने बोला तो ये था, कर ये रहा है। सो गुड आइडिया इज कि अगर आप किसी फ्रेंड को लेके आ रहे हो तो उसके पहले के लक्षण देख लो, सिम्टम्स देख लो, ट्रेट्स देख लो, कैसे काम करता है। पहले कैसे, मैं हर आदमी को 3-4 बार मिलूंगा, आ जाओ मेरे ऑफिस मिलने के लिए, आ जाओ लंच पे मिलने के लिए, आ जाओ रेस्टोरेंट में मिलने के लिए, और उसी बात को मैं 3 बार करूँगा। पहली बात, दूसरी तीसरी मीटिंग तक बंदा थक जाता है, यार इसी बात को कितनी बार डिस्कस करेंगे, मैं आया तो था पिछली बार। या पहली बार बंदा टाइम पे आएगा, सेकंड टाइम वो लेट हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा पहली बार सीरियस था, फर्स्ट इंप्रेशन सेकंड टाइम नहीं था। अच्छा अगर आप एक प्रपोजल की बात करते हो, बोलते हो अगली बार होमवर्क करके लेके आ रहा है, एक काम कर यार इसके बारे में तू भी कुछ एनालिसिस कर, मैं भी करता हूँ, कल मिलते हैं, और अगली बार वो बिना एनालिसिस करे आता है, कहते हैं मैंने सोचा है, मैं बातें करने में हूँ, आगे वो बातें करेगा, इसका मतलब उसे 5 मिनट पहले जो दिमाग में आया वो आपके सामने उल्टी कर दी सारी, इसका मतलब वो कोई रिसर्च करके नहीं आया, मेहनत करके नहीं आया, कोई प्रेजेंटेशन नहीं देके आया, उसका एफर्ट दिखेगा नहीं। तो फिर क्या करना, अगर एक्शन दिखेंगे ना तो उसको बढ़िया सा मीम खिलाना, ठंडी सी बियर पिलाना, बोलना यार ब्रो मैं तेरे को बताऊंगा When I am ready to hire you as a co-founder, अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को मत लेके आना जिन जो कहनी और करनी टेस्ट में पहले ही फेल हो जाए। It doesn't mean that they are bad friends, but it just means that they might not turn out to be good co-founders. और फिर ये जो 6 महीने की जो रंजिश चलेगी, बैक एंड फोर्थ, 4 क्लाइंट जाएंगे, टीम के सामने लड़ाई होगी, बहुत पीछे ले जाएगा वो आपको, निराशा होगी आपको। और जब हमें निराशा होती है ना एज एजेंसी फाउंडर्स, तो हम कुछ दिन काम नहीं करते और हम उस गम में रो रहे होते हैं। तो इतना ज़्यादा गम पालो ही मत जिसमें ज़्यादा रोना पड़े, क्योंकि आपका क्लाइंट नहीं वेट कर रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं वेट कर रही है। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ को फाउंडर नहीं होने चाहिए एजेंसी में, आई एम जस्ट सेइंग कहनी एंड करनी टेस्ट में वो पास होना चाहिए। और अगर वो पास हो गया तो कमेंट करके मुझे बताना कि आपका नया को फाउंडर कौन है। आई वुड लव टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। अगर आपका एक नया को फाउंडर आया है तो आप दोनों मिलकर मुझे एक वीडियो बना के भेजो, आई विल कॉल यू बैक ऑन अ वीडियो कॉल एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर न्यू बिजनेस। बट मुझे बताना कि आपने कैक टेस्ट कैसे किया। अगर आप कैक टेस्ट करके मुझे एक वीडियो भेजोगे, आई विल डेफिनेटली डू अ वीडियो कॉल बैक विद यू एंड आई विल डू सम 5-7 मिनट्स ऑफ मेंटरिंग विद बोथ ऑफ यू एज वेल। सो अच्छी तरीके से एजेंसी चलाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। बाय फॉर नाउ।